आज हम ऐसा विषय आरंभ करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, वो है तुलनात्मक धर्म दर्शन। संसार के जितने बड़े बड़े रिलीजन हैं, क्योंकि संस्कृत में रिलीजन और धर्म में बहुत अंतर है, लेकिन अब ये प्रचलित शब्द जो हो गया है, रूढ़ हो गया शब्द कि रिलीजन को ही धर्म कहने लगे, तो इसलिए जब हमारे सामने मसला आता है तो होता है तुलनात्मक रिलीजन, ये नहीं होता बल्कि तुलनात्मक धर्म दर्शन इसका नाम हो जाता है। और उस धर्म दर्शन में हमारे पास जो मुख्य धर्म है, जिनको हमें देखना पड़ता है कि संसार के मुख्य धर्म कौन कौन से हैं, कुछ धर्म ऐसे हैं जो बड़े थोड़े, जिनका क्षेत्र बड़ा थोड़ा है, कुछ ऐसे हैं जिनका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, तो हम उनमें से केवल मुख्य कुछ धर्मों को लेते हैं जो हमारे भारत से ही संबंधित हैं, उन्हीं की हम तुलना करते हैं कि बाकियों से हमारा कोई, अगर सारी दुनिया में चले जाएंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा, तो भारत में हमारे पास सबसे बड़ा जो धर्म है सनातन धर्म है, उसके बाद इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, बौद्ध है, जैन है और सिख है। ये धर्म जो हैं ये हमारे भारत में विद्यमान है, मेन धर्म यही है भारत में। इनकी तुलना करके हम ये देखते हैं कि कौन से धर्म में किस वस्तु को, संसार के ज्ञान को कैसे दिया गया है और कैसे कैसे जीवन के लिए रास्ते बताए गए हैं, इसका हमें आचरण करना पड़ता है। जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान में धर्म की बहुत चर्चा थी, तो उन्होंने कहा कि धर्म क्या है हमें बताओ, व्हाट इज़ धर्मा। तो यहाँ के जो स्कॉलर थे अंग्रेज़ों को समझाने लगे, उन्होंने कहा धर्म मीन्स जो आज जो है धर्मो धार्यते प्रजा, धारणा धर्म इत्याहुर धर्मो धार्यते प्रजा, धर्म में धारण करने की शक्ति है, सस्टेन करने की शक्ति है। अग्नि का धर्म है जलाना, अगर अग्नि का धर्म त्याग दिया जाए तो अग्नि नष्ट हो जाएगी, अग्नि सस्टेन नहीं कर सकती। जल का धर्म है शीतलता, जल में से अगर शीतलता निकल जाएगी तो जल नष्ट हो जाएगा, जल नहीं रहेगा फिर वो। तो धर्म उन्होंने बताया कि धर्म वो है जो किसी भी वस्तु के अस्तित्व को सस्टेन करता है, धारण किए रहता है, उसको मिटने नहीं देता। यानी इसको अंग्रेजी में दूसरा शब्द कहेंगे तो कहेंगे एसेंस है, द एसेंशियल तत्व, एसेंशियल फैक्टर विच कीप्स ए थिंग अलाइव, कीप्स ए थिंग इन एग्जिस्टेंस। ऐसा एक एसेंशियल तत्व बताइए जो उस चीज़ को नष्ट होने से बचाता है। तो उन्होंने कहा चूँकि धर्म में धारण करने की शक्ति है, इसलिए धर्म को लगाया इन्होंने कि जब ये धर्म व्यक्तिगत रूप से किसी चीज़ में रहता है तो उसको धारण करके नष्ट होने से बचाता है, लेकिन जब ये धर्म का क्षेत्र विस्तारित हो जाता है तो ये समाज में चला जाता है, प्रजाओं में चला जाता है। तो प्रजाओं को भी क्या करता है, धर्मो धार्यते प्रजा, समाज को नष्ट होने से, समाज को टूटने से, समाज को विखंडित होने से। तो जिन लोगों में कोई धर्म नहीं, जिन्होंने कोई धर्म नहीं रखा था, उनके समाज नष्ट हो गए। आज कोई उनका नाम जरूर किताबों में आता है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि धर्म को आधार बना के रखा तो इसलिए हमारा समाज जो है अभी तक ऐसे कैसे ही दृढ़ है, ये नष्ट नहीं हुआ। तो अंग्रेज़ कहने लगे, सोचने लगे कि इसका पर्यायवाची शब्द क्या बनाया। तो उन्होंने कहा वो हमारे पास एक शब्द है, वो है रिलीजन। आपके यहाँ धर्म का ये है कि धर्म लोगों को बांधे रखता है, टूटने नहीं देता, समाज को एक जगह टाइट कर किया रखता है। तो हम अपने यहाँ सोच रहे हैं कि रिलीजन, री माने पुनः दोबारा, और लीजन का मतलब रस्सी, डोर जिससे बांधा जाता है। तो आदमी जो है अपने केंद्र से, जहाँ से वो आदमी पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, या जहाँ से आया है, वो उस केंद्र से आदमी अलग हो गया है,
अब हम उस केंद्र से आदमी को जोड़ने के लिए जो भी रास्ता बताएंगे वो रिलीजन कहलाएगा। तो कहते हैं इसलिए नियरेस्ट जो शब्द है जो हमारे यहाँ आएगा वो रिलीजन और धर्म एक से हो जाएंगे, क्योंकि धर्म भी लोगों को बांधे रखता है, सारे समाज को एक जगह बांधे रखता है, और धर्म को टूटने से धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करेंगे, जो उन नियमों की रक्षा करेंगे जो समाज को टूटने से बचाते हैं, तो धर्म भी उनकी रक्षा करेगा, और अगर वो उन नियमों को त्याग देंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे, धर्म उनको नष्ट कर देगा। तो हमारे यहाँ भी ये है कि रिलीजन आदमी को बाइंड किए रखेगा। तो उन्होंने कहा पर्यायवाची थोड़ा बहुत तो मिल गया, चाहे वो धर्म के वो तत्व ना हो रिलीजन में, लेकिन फिर भी एक पर्यायवाची मिल गया। तो और कोई शब्द नहीं मिला, तो धर्म को इन्होंने रिलीजन का ही पर्यायवाची बना के उन्होंने कहा यही चलो, इसको रूढ़ी मान लो। तो हम इसलिए जब धर्म की बात करेंगे तो यहाँ धर्म वो नहीं लेंगे जो संस्कृत में कहा गया, हम धर्म का मतलब लेंगे रिलीजन। अब रिलीजन का क्या महत्व है, क्या रिलीजन आदमी के लिए ज़रूरी है, या रिलीजन एक ज़बरदस्त पाखंड है? अब तक आदमी अज्ञान में पड़ा हुआ था, ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा था जिसे हम कहते हैं लाइफ ऑफ केव। वो जो कुछ पाखंड हैं, जो एक संकुचित बुद्धि है, एक गुफा के अंदर बंद है आदमी, उसकी मेंटल जो मेकअप है वो ऐसा है कि उसमें कुछ ग्रूव्स बन गए हैं, उन ग्रूव्स को त्याग करके आदमी नहीं निकल सकता। तो उन ग्रूव में जो फंसा हुआ आदमी है वो अज्ञानी आदमी है। तो अज्ञानी आदमियों के लिए रिलीजन ज़रूरी है, और जब आदमी के अंदर ज्ञान पैदा होता है तो वो उस गुफा से निकलने की कोशिश करता है, बाहर निकल के आता है, और जैसे ही वो बाहर से निकल के आता है तो देखा कि गुफा में तो अंधेरा ही अंधेरा था, और अंधेरे को त्याग करके मैं बाहर आया हूँ तो यहाँ बड़ा प्रकाश है, क्या बात है। तो वो देखता है सूरज है, रोशनी है सारी। तो इसी तरह से आदमी जब ज्ञानी हो जाता है तो वो रिलीजन को छोड़ देता है, छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए रिलीजन को ख़त्म करने के लिए आज हमारे युग में बहुत सारे प्रयास चले। सबसे पहला प्रयास हमारा जो था वो डार्विन ने किया। डार्विन से पहले लोग मानते थे कि भगवान ने सारी सृष्टि क्रिएट की है। तो डार्विन ने अपने सिद्धांतों में ये दिखाया कि सृष्टि भगवान ने क्रिएट नहीं की, सृष्टि तो मैटर से क्रिएट हुई है, भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं है, और चूंकि मैटर से क्रिएट हुई है इसलिए कोई इसको मिटा भी नहीं सकता। अगर एक आदमी मर जाएगा तो वो मैटर में उसकी शरीर जो मिल जाएगा, चाहे कब्र में दाबो आप चाहे वैसे चलाओ, तो आदमी रूप बदल लेगा अपना लेकिन नष्ट नहीं हो सकता। तो इस तरह से डार्विन ने बहुत लंबा चौड़ा एक बना करके इवोल्यूशन का सिद्धांत बनाया। क्रिएशन के सिद्धांत को, जो बाइबल में क्रिएशन का सिद्धांत था, उसको बिल्कुल नष्ट कर दिया, तोड़ दिया कि ये बिल्कुल क्रिएशन की बात ही झूठ है, कोई क्रिएटर नहीं है, मैटर का कोई क्रिएटर नहीं है और मैटर का कोई डिस्ट्रॉयर भी नहीं है। तो उन्होंने सारा दिखा करके ये मैटर में दिखाया कि मैटर के ही कुछ अंश जब मिले तो दो तरह के मैटर थे, एक तो था इनऑर्गेनिक मैटर और एक था ऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर में तत्व ठीक तरह से मिले हुए नहीं थे, वेल ऑर्गेनाइज नहीं थे। इनऑर्गेनिक का मतलब जो ऑर्गेनाइज ठीक तरह से ना हो। तो जो मैटर के तत्व थे वो ठीक रेशियो में, ठीक प्रोपोर्शन में जहाँ नहीं मिले हुए थे उसको हमने कहा ये इनऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इनऑर्गेनिक में क्या हुआ कि कुछ जगह जाकर के तत्व जो थे वो ऑर्गेनाइज हो गए और वो ठीक तरह से मिल गए, तो वो ऑर्गेनिक मैटर बन गया। और जैसे भी वो ऑर्गेनाइज हुए, इट वाज ओनली बाय चांस दैट मड बिकेम कॉन्शियस, उसमें से कॉन्शियसनेस निकली आई। तो डार्विन ने कहा जो कॉन्शियसनेस है जिसको तुम आत्मा आत्मा शब्द कहते हो, ये मैटर में से प्रोड्यूस हुआ है, बाई चांस मैटर में सारे तत्व एक जगह थे ही मिले, कोई मिलाने वाला नहीं है उनको, मैटर इधर से उधर चल रहा था, मूवमेंट हो रहा था, घूम रहे थे, इधर पानी कहीं पानी ले जा रहा था उसको, कहीं हवा ले जा रही थी, उसमें बाई चांस कुछ तत्व जो थे मिल गए, ऑर्गेनाइज हो गए।
तो ऑर्गेनिक मैटर बन गया, और ऑर्गेनिक तत्व इतने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे कि वो अलग नहीं हो सकते, उनको कार्बन के जो तत्व हैं, तो उस कार्बन से ये सारी सृष्टि का उत्पन्न हुआ। तो डार्विन ने बिल्कुल सारा करते करते रिलीजन को डिमोलिश कर दिया। गॉड एक मेंटल मेकअप है, आदमी ने बनाया है गॉड को, मेंटल मेकअप बनाया है अपने अज्ञान को छुपाने के लिए, अंधकार को छुपाने के लिए कि मैं अंधकार में पड़ा हुआ था, वो गॉड अपने क्रिएट कर लिया उन्होंने। फिर उसको देखने के बाद समाज वाले आए, समाजशास्त्री डार्विन को मानने वाले, स्पेंसर जैसे आदमी आए। स्पेंसर ने इवोल्यूशन मैटर का नहीं देखा, इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी देखा। तो सोसाइटी के इवोल्यूशन में भी ऐसा ही हुआ कि आदमी बिल्कुल एक एटम की तरह जंगलों में घूमता फिर रहा था, कुछ लोग मिल गए, उन्होंने मिल करके कुछ ऑर्गेनाइज हो गए, ऑर्गेनाइज हो गए तो कुछ उन्होंने ऐसे नियम बना लिए कि वो डिसऑर्गेनाइज ना हो दोबारा, सोसाइटी बन गई। सोसाइटी को बनाने वाला भगवान नहीं है, सोसाइटी भी मैटर से ही बनी है। तो इसलिए भगवान की बात करना जो है ये बिल्कुल मूर्खता की बात है। और इस तरह उन्होंने लंबा चौड़ा स्थान करके पहले सबसे पहले उन्होंने रिलीजन को निकाल दिया। रिलीजन इज़ नॉट नेसेसरी। रिलीजन तो उन लोगों को वो पालन करते हैं जिनके माइंड में अभी ग्रूव पड़े हुए हैं, जिनकी वो नालियाँ खुली नहीं हैं, जो अभी तो गुफा में से निकल करके प्रकाश में नहीं आए हैं, रिलीजन को वही मानते हैं और उनके ऊपर एक बोझ पड़ा हुआ है। डार्विन के बाद एक और आदमी आए, उनका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा, कार्ल मार्क्स ने रिलीजन को देखा सोशल कंटेक्स्ट में, और उन्होंने कहा कि सोशल कंटेक्स्ट में रिलीजन क्या काम करता है। शुरू से ही उन्होंने कहा कि जब झगड़े शुरू हुए, क्लास कन्फ्लिक्ट शुरू हुए, तो वो जो शिकारी लोग थे, हंटर लोग थे, उन्होंने स्लेव रखे कुछ, वो स्लेव शिकार मार के लाते थे, और वो शिकार मार करके जब लाते थे वो इतना इतने शिकार मार लेते थे कि वो कुछ ना कुछ उसमें से बच रहता था। तो ये जो उनके स्वामी थे, लॉर्ड थे जो इनके, वो कह रहे थे जो बचा हुआ था वो ये रख लेते थे कि हम इसको प्रिजर्व करेंगे, तुम्हारे अंदर प्रिजर्वेशन की पावर नहीं है, ना तुम्हारे पास जगह है प्रिजर्व करने की, तो ये सरप्लस वैल्यू आ जाती थी इनके पास। अब ये इसको प्रिजर्व नहीं कर सकते थे क्योंकि मांस जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इन्होंने कहा इसका कुछ ऐसी चीज़ बनाओ कि मांस में से कोई इनको प्रिजर्व करने की कुछ चीज़ें बनाओ, और ऐसी चीज़ें प्रिजर्व करा के अपने पास रख ली। अब जब रख ली तो उस प्रिजर्व की वजह चीज़ें बनाई थी, मांस का एसेंस निकाला, कुछ निकाला, तो उससे ये हुआ प्रिजर्वेशन करने के लिए जगह चाहिए, तो फैमिलियाँ बननी शुरू हुई। और उन्होंने कहा कि मांस की बजाय खेती कर जो पैदा होगा वो ज़्यादा प्रिजर्व हो सकता है। तो फ्यूडल लॉर्ड पैदा हो गए, ज़मीनों पर कब्जा कर लिया लोगों ने, और जो ऐसे आदमी रखे जो किराए पर रखे थे जोतने वाले, वो इन्होंने फ्यूडल लॉर्ड्स ने काम कर लिया और उनको किसान बना दिया सारे सारों को, मदारे जिन्हें कहते हैं। अब वो मदारे भी यही करते थे कि दिन भर हल चलाते थे, खूब जोतते थे, खूब नाच पैदा करते थे, और प्रिजर्व करने के बहाने रख लेते थे। प्रिजर्व किस नाम से करते थे? ये कहते थे कि हमारे अंदर एक ऐसी पावर है, सुपीरियर पावर, जो तुमसे ज़्यादा सुपीरियर है, जो चीज़ों को प्रिजर्व कर सकती है, संरक्षण कर सकती है। तो उन्होंने कहा वो कौन सी पावर है? कहते उसको तुम नहीं समझ सकते, तुम अपने खेत करे जाओ। तो उन्होंने कंसेप्ट बना दिया किसी सुपीरियर पावर का, और उस सुपीरियर पावर को इस तरह प्रेजेंट किया उनके जो लोग थे कि वो लोगों को ऐसा लगने लगा जो प्रोड्यूसर थे उनको कि कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसको हम नहीं जानते। तो जो ऐसे लोग थे जो उस पावर की एक्सप्रेशन करते थे, उनको चाहे हमारे यहाँ कुछ भी कहें, वहाँ दूसरे देशों में कुछ भी कहें, हमारे यहाँ उनको ब्राह्मण वर्ग, पुरोहित वर्ग कहा जाता है। वो पुरोहित वर्ग किसके समर्थक होते हैं? वो उसके समर्थक होते हैं जो माल को इकट्ठा प्रिजर्व करता है, जो माल को जमा करने वाले लोग होते हैं, उनको जमा करने का एक, जो लोग मार के ला रहे हैं या खेती करके ला रहे हैं, उनको ये कहना कि तुम्हें तो हमने इतना गेहूँ दे दिया, इतना तुम्हें चावल दे दिए, इतनी चीनी दे दी, और ये बाकी चीज़ जो है इसके तुम्हारे पास जगह भी नहीं है, ना तुम्हारे पास शक्ति है, कैसे प्रिजर्व करोगे, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे।
तो ये शक्ति इनके पास है और ये शक्ति तुमसे बहुत ऊपर है, तुम समझ भी नहीं सकते उस शक्ति को। तो उनके मन में बिठा दिया कि वो पावर कोई नेचुरल पावर नहीं है, सुपर नेचुरल पावर है। तो पुरोहित वर्ग हमेशा क्या काम करता है कि ऊर्ध्व क्लास का, सरमाएदार क्लास का पक्ष लेता है, उनके पक्ष को जाकर के वो जो दूसरे लोग हैं गरीब लोग उनको बताता है कि तुम तो इसमें जितना तुम्हें दे रहा है भगवान ठीक है, बाकी तुम प्रिजर्व नहीं कर सकते, इसलिए वो उन लोगों के पास है जिनमें कोई सुपर नेचुरल पावर है। और उस सुपर नेचुरल पावर का नाम रख दिया उन्होंने गॉड। गॉड के एजेंट बन गए पुरोहित, एजेंट ऑफ द गॉड हैं वो, भगवान की दलाली खाते हैं सारे। और किसी आदमी ने कहा कि मुझे, मैं गरीब आदमी हूँ क्या करूँ, उन्होंने कहा तू अपनी जो कुछ भी बेच बाच के आया है ये हमारे पास दे दे, हम तेरे लिए भी स्वर्ग में जगह बना देंगे। तो ऐसी पर्चियाँ चलने लगी उनकी, पोप के यहाँ ये पर्चियाँ चलती थी, गॉड का कंसेप्ट बना के खड़ा कर दिया लोगों को दमन करने के लिए, दबाने के लिए। तुम उस शक्ति को नहीं समझ सकते जो प्रिजर्व करती है। तो उन्होंने कहा ये जो पावर है ये गरीब आदमी को दबाए रखने के लिए है, ये उसको उभरने नहीं देती और वो उसी में पड़ा रहता है, इसी में अपन संतुष्ट है। भगवान का नाम लो, इसी में संतोष मिलेगा तुम्हें। भगवान से कहो कि भगवान हमें इतनी शक्ति दे दे कि हम और ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, कुछ और मिल जाए बस, बाकी तो प्रिजर्व करने की पावर तो उनमें है जो गॉड के गिफ्टेड आदमी है, उनको गिफ्ट किया गॉड। तो ऊर्ध्व क्लास को गिफ्टेड, जो सामंतवादी लोग थे वो पुरोहितों के आधार पर, पुरोहित के जो उनके आधार पर वो बन के बैठ गए गॉड के, कि ये शेडो ऑफ द गॉड है। राजा के लिए कुरान शरीफ में लिखा जिल्ले सुभानी, भगवान की छाया है राजा, इसलिए भगवान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना राजा, ये राजा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, भगवान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। कोई आदमी राजा के ख़िलाफ़ क्रांति नहीं कर सकता क्योंकि राजा भगवान की छाया है, और जो आदमी भगवान के राजा के ख़िलाफ़ क्रांति करेगा वो, इसका मतलब वो भगवान का द्रोही है। तो भगवान क्या करेगा, बड़ा कहर नाजिल करेगा, कहर माने उसका क्रोध भगवान का तुम्हारे ऊपर आएगा। और क्रोध किस फॉर्म में आएगा, अतिवृष्टि, इतनी बारिश कर देगा कि तुम्हारे मकान डूब जाएंगे, तुम्हारे छोटे छोटे मकान हैं गरीबों के सब नष्ट हो जाएंगे, तो अतिवृष्टि कर देगा। या ऐसा कर देगा तुम खेत में जाओगे, अनावृष्टि, बारिश ही नहीं होगी, क्या खेत चला लोगे तुम। तो इसलिए राजा के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ मत उठाना। ऐसे ही उन्होंने और बताया कि कोई बीमारी भी भेज देगा भगवान, इसलिए तुम बिल्कुल अगर चाहते हो सुरक्षित तो उस राजा के ख़िलाफ़ आवाज़। तो ये पुरोहित वर्ग ने ऐसे कर्मकांड बना करके उनकी रिवोल्यूशनरी पावर ख़त्म कर दी। और वो जो फ्यूडल लॉर्ड थे उनके पास जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी शुरू हो गई और वो उसको प्रिजर्व नहीं कर सके, तो उनको उसको ऐसी चीज़ में कन्वर्ट करो जो गलनशील ना हो, डिस्ट्रक्टेबल ना हो। तो उन्होंने कहा मशीनरी लगाओ, गेहूं के भंडार भी होंगे तो घुन लग जाएगा, हमने बहुत कंजर्व कर लिया नहीं होगा, और भी चीनी कंजर्व नहीं होगी, हमने चीनी का भंडार बनाया, चीटे पता है कहाँ से रोकेंगे उनको। तो इस बजाय कि हम खेती की चीज़ों को प्रिजर्व करें, इस खेती को हम कन्वर्ट कर दें, जो भी माल आया है इसको कन्वर्ट कर दें बड़ी बड़ी मशीनों में, और बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो ख़राब नहीं होंगी। अब इन मशीनों को चलाने के लिए ये जो हमारे किसान काम कर रहे थे, इस किसान को हम कहेंगे तुम हमसे पैसा लो, और पैसा लेकर के अपने तो सर्वाइवल वैल्यू उनको देनी शुरू कर दी, और वो खूब पैदा कर रहे हैं अपने दिल से, सर्वाइवल वैल्यू उनको दे दी। अब वो बेचारे गरीबी में पड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं तुम्हें मैंने इतनी रोटी के लिए, रोटी खाने के लिए पैसे दे दिए, तुम्हारे लिए एक छोटी सी कोठरी बनवा दी, अपने इसमें रहो। और पुरोहितों ने देखा कहा कि तुम्हें संतोष मिलेगा भगवान का नाम लेने से, रोटी खाने से नहीं मिलेगा, अगर चार रोटी और भी ज़्यादा दे दी तो माना स्वतंत्र। तो उन्होंने प्रचार करना शुरू किया कि एक ही चीज़ ऐसी है जो आपको बहुत संतुष्ट रखेगी, वो है गॉड। तो ये गॉड का कंसेप्ट आ गया। तो इन्होंने कहा कि गॉड एक बहुत बड़ी रिलीजन, एक बहुत बड़ी अफीम है जो लोगों को नशा दे खिला देती है कि बस इस नशे में तुम पड़े रहो, रिवॉल्यूशन मत करो। रिलीजन इज ए ग्रे रिलीजन इज एन ओपियम ऑफ द मासेस।
माँ से जो है वो उसी को रिलीजन को कीर्तन कर लिया, ढोलक बजा ली, इसी में संतुष्ट हो गए जो मिल गया, और उनको कह दिया कि संतोष करो, जो मिल गया वो प्राप्त कर लो और इसी में अपना संतोष कर लो। तो ये पुजारियों ने एक धंधा बना के खड़ा कर दिया कि गरीब आदमी जो है वो, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर दुनिया के अंदर क्रांति लानी है तो सबसे पहली क्रांति है क्रांति अगेंस्ट रिलीजन, रिलीजन के खिलाफ हो जाओ तब क्रांति आएगी, नहीं तो कोई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह सब बेकार हो जाएंगे, गरीबों की हालत झुग्गी वाला झुग्गी में ही रहेगा, नाली में पड़ा हुआ आदमी नाली में ही पड़ा रहेगा, कोई क्रांति सफल नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहली क्रांति क्या है कि ये जो गॉड के एजेंट बने हुए हैं पुरोहित वर्ग जो हैं, इन्होंने बड़े बड़े चर्च के कैथेड्रल बना रखे हैं और वहाँ बैठ करके तुम्हें जाते हैं, कहते हैं बेटा कीर्तन किया करो, उसमें तुम्हें शांति मिल जाएगी, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, ये क्या, और बाइबल में लिख दिया, अरे क्यों धन की लालसा क्यों करते हो, जो धनी आदमी है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा नरक में जाएगा, एक ऊँट जो है वो सुई की नोक में से निकल सकता है, लेकिन ये अमीर आदमी जो है ये कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो तुम अमीरी लेके क्या करोगे, तुम ब्लेस्ड आर दोज हु आर पुअर और देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन, वही आदमी ब्लेस्ड हैं, भगवान की कृपा पात्र हैं जो धन का त्याग करते हैं, त्यागो खूब त्याग दो बिल्कुल, और पुअर रहोगे तो भगवान का ध्यान रहेगा, गरीब मालदार बन गए तो भगवान को छोड़ दोगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें लिख करके इन्होंने और रिलीजन वालों ने, अब उन्होंने कहा कि अगर इनकी हालत सुधारनी है तो बहुत कुछ लिखा उन्होंने। एक ने लिखा कि ज़रा ध्यान से देखो मजदूरों, ये घंटे और घड़ियाल जो चर्च में बजाए जाते हैं शाम को क्यों बजाए जाते हैं, दोपहर को क्यों नहीं बजाए जाते, सुबह क्यों नहीं बजाए जाते। तो उसने कहा ये इसलिए कि तुम जब जाते हो मजदूरी तुम्हें मिलती नहीं, दिन भर मारते रहे कहीं मिली नहीं, और मिली भी तो बहुत थोड़े से किसी ने आदमी पैसे, क्योंकि मजदूरी के मार्केट में भी जब कैपिटलिज्म आता है सरमाएदारी आती है तो मजदूर जो है वो कमोडिटी की तरह बाजार में जो लॉ चलता है डिमांड एंड सप्लाई का उसी से चलता है। तो आज ज़्यादा मजदूर खड़े हैं चौक पर तो हमने कहा कि भाई तुम्हें दिन में हम 10 रुपये देंगे, नहीं है तो दूसरा आ जाएगा, और जिस दिन मजदूर कम होंगे उस देंगे 25 रुपये भी दे देंगे। तो इस लॉ ये कमोडिटी बना दिया इन्होंने आदमी को, आलू और गोभी बना दिया भगवान। तो अगर तुम्हें आदमी बनना है तो एक काम करो, तुम ये सोचो कि शाम को ही घंटे क्यों बजते हैं, जब तुम घर जाते हो तो बच्चा रोता हुआ मिलता है, चीखता है दूध लाओ पापा, रोटी लाओ पापा, तुम कहते हो बेटा आज मजदूरी नहीं मिली, आज कहीं काम नहीं मिला, मिला था तो भी 5 रुपये मिले कुल, 5 रुपये में मैं घर के लिए ज़रा सा थोड़े से गेहूँ ले आया। तो कहते इसलिए पहला काम ये करो कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे की आवाज़ भगवान सुन ले तो चर्च के जो घड़ियाल हैं, क्योंकि ये चर्च में शाम को बजाते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो तुम्हारे बच्चे की चीख जो होती है भूखा मर रहा चीख रहा है उसकी आवाज़ को भगवान नहीं सुन पाता, भगवान सुन लेगा तो इनको दंड देगा जो तुम्हारे बच्चों को भूखा मार रहे हैं। इसलिए तुमने अगर अपने बच्चों की आवाज़ भगवान को सुनानी है तो चर्च बैल तोड़ दो जाकर के, पहले रिवोल्ट अगेंस्ट चर्च, धर्म को अगर तुमने गिरा दिया तो सरमाएदार निज़ाम अपने आप गिर जाएगा, क्योंकि पुरोहित वर्ग ही इनको समर्थन देते हैं, इन्हीं को भगवान का जिल मानते हैं, ये भगवान के कृपा पात्र हैं। दूसरे ने कहा कि भगवान बेवकूफ़ नहीं है, भगवान बड़ा बुद्धिमान है, चर्च में संगमरमर का फर्श लगा हुआ है, चर्च के अंदर भगवान को ड्राई फ्रूट जाके वह रखते हैं और वो क्राइस्ट की मूर्ति के आगे जाके रखते हैं, उसको खिलाते हैं। तो गॉड को जो आदमी 800 रुपये किलो की मिठाई बर्फ़ी खिला वो खिलाएगा मेवा खिलाएगा, वो तुम्हारे चर्च में तुम्हारे झोंपड़ी में सूखी रोटी खाने क्यों आएगा, उसे वहाँ मेवा मिल रही है। इसलिए तुम चर्च बैल ही नहीं, चर्च को ही तोड़ दो, चर्च टूट जाएगा जिस दिन रिलीजन ख़त्म हो जाएगा,
तुम्हारा भाग जाग जाए जाए। तो मार्क्स ने रिलीजन को ख़त्म करने के लिए एक विद्रोह कर, रिलीजन सबसे बड़ा पाखंड है, रिलीजन ओपियम है, और रिलीजन लोगों को रिवॉल्यूशन नहीं करने देती। वह रिलीजन में नाम संतोष संतोष संतोष, और ये पुरोहित वर्ग सारा यही काम करता है। ये सरमाएदारों का एजेंट है, ये यही काम करते हैं। सरमाएदार बढ़िया बढ़िया मंदिर बना सकते हैं, गरीब थोड़ी बनाएगा। तो इसलिए रिलीजन को ख़त्म करो। जिस दिन रिलीजन ख़त्म हो गया उस दिन ये अफीम ख़त्म हो गई, उस दिन तुम्हारे अंदर, अभी तो तुम नशे के अफीम के नशे में पड़े थे, उस दिन तुम्हारे जाग जा रहे, ये तो हमें नशा पिला पिला करके लूट रहे थे। और जिस दिन तुम जाग जाओगे, एक रिवोल्ट कर दोगे, सारे सरमाएदार जो है ना, ये तुम्हारे, जिन्होंने तुम्हारा खून चूसा है, तुम इनका खून चूसोगे। नोबडी विल एक्सप्लॉइट यू अनलेस यू आर, तो इसलिए रिलीजन को सबसे पहली चोट रिलीजन पे करो। रिलीजन ही इनके पापों को प्रोटेक्ट करता है। ये अपने पाप के बदले में वो प्रसाद चढ़ा देते हैं, भगवान इनके पाप माफ कर देता है। तो मार्क्स ने रिलीजन के खिलाफ बहुत लिखा, लेनिन ने बहुत लिखा, और रिलीजन को बिल्कुल उखाड़ दिया। उसके बाद एक आदमी आए साइकोलॉजिस्ट, उनका नाम था सिगमंड फ्रायड। दुनिया में सबसे पहले साइको एनालिस्ट सिगमंड फ्रायड हैं। सिगमंड फ्रायड ने सारी अपनी, और पहले आदमी हैं दुनिया के जो इतनी ज़बरदस्त उन्होंने साइकोलॉजी लिखी है। तो उन्होंने कहा जब आदमी का जन्म होता है, भगवान तो जन्म देता नहीं, माता पिता उसको मिलकर के जन्म देते हैं, तो आदमी उस समय जो होता है वो रिलीजियस मैन नहीं होता, वो बंडल ऑफ सेक्स होता है। उसके शरीर को जहाँ से भी स्पर्श करोगे उसमें उसको ऐसी संवेदना मिलेगी जैसी आपको सेक्स ऑर्गन छूने में लगती है। तो उसका सारा शरीर सेक्स का बना हुआ होता है। अब उस सेक्स को जब आप आगे बढ़ाओगे तो समाज में जब उसमें कॉन्शियसनेस आएगी तो समाज उसको कहेगा कि सेक्स का नाम लेते ही सेक्स ऑर्गन को ढको, सेक्स ऑर्गन को नहीं ढकोगे तो समाज मारेगा तुम्हें। तो आदमी के अंदर ईगो का सेंस आता है, मेरा सम्मान कैसे रहे समाज में, कि मैं अपनी इच्छा को भी पूरा कर लूं और समाज, तो ईगो का डेवलपमेंट शुरू होता है। अब ईगो में और इस प्लेजर इंस्टिंक्ट में, लिबिडो में झगड़ा होता है। लिबिडो तो इमीडिएट शांत चाहती है प्लेजर, तो कि मुझे प्लेजर मिलना चाहिए। और प्लेजर में क्या होता है, लॉ ऑफ इकोनॉमी लागू होता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। तो मिनिमम शक्ति लगा करके मैक्सिमम प्लेजर मिल जाए, ये इड का सिद्धांत है। इड इससे चलता है और कहता है ऐसा प्लेजर जो उसे कहाँ मिलता है, सेक्स में मिलता है। इसलिए वो सेक्स के नियम भी तोड़ता है, खुफिया सेक्स भी एंजॉय करता है, और वो क्या करता है कि समाज की निगाहों से बचा रहूँ मैं, लेकिन फिर भी एक भय उसके अंदर रहता है। और वो जो फियर उसके अंदर है, फियर कॉम्प्लेक्स, वो बहुत सारी एंग्जाइटी, ख़ास तौर से एंग्जाइटी पैदा हो जाती है, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, पकड़ा गया तो समाज में मेरी प्रेस्टीज ख़त्म हो जाएगी, मेरी ईगो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तो जो फियर कॉम्प्लेक्स है उससे बचने के लिए आदमी क्या करता है, फिर वो सुपर ईगो डेवलप करता है, मोरलिटी, ये सोसाइटी देती है उसको, कहती है सोसाइटी के अंदर सम्मान से रहना है तो हमारी मोरलिटी, हमारे नियम पालन करो। इनके